सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम। कर्नाटक हिजाब तनाज़ा जो अब मुंबई तक आ पहुंचा है, और हम आज बात करेंगे हिजाज कश्मीरी मौलाना हंडी वाली मस्जिद से। मौलाना, हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं इनका कामयाब होता नज़र आ रहा है आप लोगों के बुरखों के ऊपर इतना तनाज़ा करने के बाद। मैं सीधी बात कहता हूँ, हमको तुम अपनी सियासत करो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपनी कुर्सी में बैठे रहो ना, अपनी सियासत करो, हमको क्या लेना देना है। नेतागिरी करो, इलेक्शन लड़ो, मत हार जीतो, हारो तुम जानो, हमको हमारे दस्तूरी हक के साथ हमारे मजहब पे चलने का पूरा हक है। हम चलेंगे और उसे कोई नहीं छीन सकता, हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। तुम अपनी सियासत करो, हम इस्लाम को क्यों खींचते हो, मुसलमान को क्यों खींचते हो। पहले बाबरी मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, तीन तलाक, NRC, CA, अब कुछ बचा नहीं तो बुरखे पे आ गए हो, समझे। क्या चाहते क्या हो कि सीधा सीधा बोल दो कि मुसलमान हिंदुस्तान का शहरी नहीं है। जो बोलते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, एक हाथ में जो है कुरान रहेगा, उनसे बोलता हूँ 10% मुस्लिम बच्चियों को रिजर्वेशन दे दो कि मुस्लिम हास्ते तालीम हासिल करें, बच्चियाँ आगे बढ़ें। तुम देना ही नहीं चाहते, तुम चाहते मुसलमान बच्चियाँ और बच्चे नाकारा रहें, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ेंगे तो कौम आगे बढ़ेगी, मुल्क आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, और इन तासुबी लोगों के चेहरे से नकाब उतर। मत के इस फैसले की स्वागत करते हैं, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोई शिकायत ही नहीं है। कर्नाटक क्या हिंदुस्तान से बाहर है, हिंदुस्तान का हिस्सा है ना, तो जब हिंदुस्तान में कुछ गलत होगा तो हिंदुस्तानी आवाज़ नहीं उठाएगा, भारतीय आवाज़ नहीं उठाएगा, उठाना पड़ेगा। और जब कौम की बेटी के साथ होगा, मुल्क की बेटी के साथ होगा, तो क्या हम मुंह पे ताला मार के बैठेंगे। मैंने फिर पहले भी कहा कि ये मामला स्कूल का होता, खाली कोर्ट में होता, ड्रेस कोड का मसला होता तो अपनी जगह पर बात थी, समझे। मामला वहाँ से आगे बढ़ा, बच्चियों के सामने खड़ा हो गए, नारेबाजी हुई, एक बच्ची को दौड़ाया गया, उसके पीछे दौड़ के आए, दूसरी बच्चियों के सामने जुलूस निकाला गया, वो बैठी हैं कॉलेज के गेट पे, तो वहाँ धरना दिया गया। तो हर जगह बच्चियों को जब तुम डिस्टर्ब कर रहे हो तो इसका मतलब है एक समाज, एक कुछ लोगों जिनका दिमाग ख़राब हो गया है, जो आतंकवादी ज़हनियत के है, वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क का अपना अमान ख़त्म हो, बच्चियों पर हमला किया जाए। हम उन मैम वहाँ बेटियों के साथ खड़े हैं, बहनों के साथ खड़े हैं। अगर एक गैर मुस्लिम बच्ची भी होती ना तब भी हम ये करते। दिल्ली में रेप हुआ, ओलमा ने भी आवाज़ उठाई, मुसलमानों ने भी आवाज़ उठाई, तो हम हर इंसाफ पसंद शहरी से कहते हैं आवाज़ उठाएं और उन लोगों को सबक सिखाएं जो इलेक्शन की लालच में, वोट की लालच में ये काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार होते ही है, लेकिन जो कर्नाटक में मुस्कान के साथ हुआ उससे हम लोग को तकलीफ़ हुई। उस सिलसिले में उनके वो बच्ची ने जो किया वो जमहूरियत और हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत किया है, और उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान का वो एक ताकत बख्शी, उन्होंने अमल करके ये बताया कि संविधानिक हमारा हक है, इसे कोई नहीं छीन सकता है। वो बच्ची काबिले मुबारकबाद है, और ये बुरका का मसला कर्नाटक का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है, पूरी दुनिया का मसला है। मुसलमानों का एक बुनियादी हक है हमारी बहनों का, माओं का, उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता है। क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि हमको जस्टिस मिले, और जो संविधानिक जस्टिस है वो हमको मिलना चाहिए, जो संविधान ने हमको हक दिया है। उन्होंने अभी यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि सरकार से वो मांगेंगे कि 6% मुस्लिम बच्चियों को आरक्षण दिया जाए और उनको तालीम के ऊपर तवज्जो दी जाए। मुंबई टाइम्स के लिए आसिफ अंसारी।